CRPF की तरफ से एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है SI और ASI पोस्ट के लिए न्यू नोटिफिकेशन है नई भर्ती 2023 की सीआरपीएफ की तरफ से अभी सीआरपीएफ में अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर जो ये वैकेंसी आई हुई है ये जी स्टाफ के लिए है जी स्टाफ में एस SI आई और ए एस आई पोस्ट के लिए है इसके लिए टेंथ प्लस डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अच्छी पोस्ट है ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे मैं वीडियो में देने वाली हूँ इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जामिनेशन सेंटर एंड आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया में क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब है ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो को एंड तक देखेगा काफी अच्छी पोस्ट है अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कई डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं सीआरपीएफ में भी एस पर भी नोटिफिकेशन आया था ए पर आया था एंड अभी कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती रहेगी और कांस्टेबल ट्रेड्समैन पर है अब यहाँ पर जीडी स्टाफ में आ गई है एस एंड ए के लिए सो so, अगर आप एलिजिबल हों तो अप्लाई जरूर कीजिएगा एज लिमिट क्या रहेगी वो हम आगे देख लेंगे रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पर रिलैक्सीसन मिल जाएगा सो so, फ्रेंड्स मैं हूं आस्था वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन सो so, ये रहा इसका नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं डायरेक्टोरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये इसकी ऑफिशियल साइट है अगर आप देखना चाहें इसका नोटिफिकेशन एंड अप्लाई भी आप यहीं से कर पाएंगे और ये जो वैकेंसी है पोस्ट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजिटेड पोस्ट है ऑफिस वर्क आपका नहीं रहेगा स्टाफ स्टाफ में में है ये वैकेंसी ओके एंड पर जो आपकी मीन इसमें सिग्नल स्टाफ इन सी आर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो एंड टेक्निकल सिविल एंड ए टेक्निकल डॉट्समैन टू के लिए है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक मई से ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट रहेगी इक्कीस मई फर्स्ट ऑफ मई से लेकर के ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड होगा वो आप 13 जून 2023 से यहाँ पर टेंटेटिव डेट बताई गई है आप डाउनलोड कर सकेंगे और जो टेस्ट आपका रहेगा सी ये आपका 24 और छ चौबीस और 25 जून 2023 को रहेगा ओके ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है जो एस आई की पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है एंड ए एस आई की जो पोस्ट, है, ये की पोस्ट है. अब इसमें आपका जो है इसमें आपका रहेगा सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है अदर किसी मोड से आप अप्लाई नहीं करेगा रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका पोस्ट वाइज सेपरेटली होगा दोनों पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन सेपरेटली होगा All India basis, यहाँ पर पर की जाएंगी, ठीक है? चलिए अब हम देख देख लेते हैं और यहाँ पर salary देख लेते हैं हैं। और और सिविल के लिए ये सिविल की जो रहेगी ये मेल के लिए है ये जो ग्रुप बी की पोस्ट है इनके लिए आपकी लेवल सिक्स से सैलरी रहेगी पे पैतीस 35,400 से एक इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल यानी ग्रुप सी की जो पोस्ट है इसके सैलरी रहेगी उन्तीस हजार दो सौ हजार तीन सौ अब आप इनमें से एलिजिबिलिटी जिसके लिए रखते हो एलिजिबिलिटी अभी हम देखेंगे पहले टोटल वैकेंसीज यहाँ पर देख लीजिए अनज के लिए एट्टी फाइव टोटल है ईडब्ल्यू एस के लिए ट्वेंटी थ्री है ओबीसी के लिए फिफ्टी सिक्स है एससी कैंडिडेट के लिए थर्टी टू है एस टी के लिए सिक्सटीन है टोटल दो सौ बारह वेकेंसीज है वैकेंसीज टेंटेटिव है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं। टेन परसेंट वेकेंसी सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है ठीके? अब यहां पर देखेंगे इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट देखेंगे तो जो सब इंस्पेक्टर यानी एस SI की जो पोस्ट है एस SI पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट थर्टी ईयर रखी गई है ठीक है तीस साल से कम होना चाहिए ये जनरल कैंडिडेट के लिए है यानी आपका बर्थ डेट जो आपका एज है वो भी आपका 21 पांच 2023 के बेस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसकी डेट पर आपकी एज देखी जाएगी मीन्स आपका बर्थ डेट होना चाहिए यहां पर आ, 22 बाईस 1993 उन्नीस एंड फोर्थ एस आई सिविल इक्कीस से तीस साल होनी चाहिए ये यह यहाँ पर बर्थ डेट दिया गया है बिफोर यानी बाईस पांच उन्नीस सौ तिरानवे से पहले आपका बर्थ डेट होना चाहिए और अगर हम सिविल जो मेल कैंडिडेट के लिए था एस आई पोस्ट सिविल के लिए इसमें इक्कीस से तीस साल होनी चाहिए क्लोजिंग डेट तक मीन्स आपका बाईस पांच उन्नीस सौ तिरानवे से इक्कीस पांच दो हजार दो के बीच होना चाहिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है ठीक है मीन 22 पांच उन्नीस सो से लेकर के 21 पांच 2005 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाएगा आप देख लीजिए आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा अब यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये भी 21 पांच 2023 के बेस पर देखी जाएगी सब इंस्पेक्टर आर के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री या फिर इसके होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए क्रिप्टो के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं ऐसा ही तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री मांगी गई है मैथमेटिक्स और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो बीई बी टेक इसके इक्ुबेलेंट आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस से मेन सब्जेक्ट आपका रहा हो या फिर क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए जो सिर्फ मेल के लिए फीमेल के लिए नहीं है इसमें इंटरमीडिएट विथ थ्री ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यानी ट्वेल्थ के साथ में आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ हो अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए 10th पास अप्लाई करेंगे लेकिन इसमें भी तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में रेडियो इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में या बीएससी डिग्री आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से की है तो भी आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने मैथमेटिक्स से बी किया हुआ है ड्रॉट्स मैन के लिए भी टेंथ के साथ में आपका यहाँ पर थ्री का डिप्लोमा लगेगा ड्रट्समैन कोर्सेज का ठीक है सो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एज लिमिट हमने देख ली है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो फिर आप इसकी ऑनलाइन एक मई से स्टार्ट होंगे अप्लाई कर लीजिएगा एप्लीकेशन फीस एस पोस्ट के लिए दो रहेगी ए पोस्ट के लिए हंड्रेड रहेगी ठीक है ग्रुप बी की पोस्ट जो रहेगी उसके लिए टू हंड्रेड है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए हंड्रेड रुपीज है. Candidate, candidate इनके लिए फीस पे नहीं करनी है इनके लिए फीस माफ रहेगी अब यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहेंगे आपको थ्री ऑप्शंस आपकी थ्री चॉइस आपको फिल करनी होगी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए तो आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा ठीक है लगभग अगर हम यहाँ पर देखें पंजाब राजस्थान हरियाणा दिल्ली गोवा मेघालय मणिपुर चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ बिहार वेस्ट बंगाल उत्तराखंड महाराष्ट्र अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश सभी राज्यों में एग्जामिनेशन सेंटर आपको इसमें मिल जाएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा सबसे पहले आपका ऐसा पोस्ट के लिए यानी जो रेडियो ऑपरेटर और क्रिप्टो टेक है इनके लिए एक पेपर टू हंड्रेड मार्क्स रहेगा टू मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन रहेंगे दो घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा पार्ट वन और पार्ट टू में आपका पेपर होगा जिसमें पार्ट वन जो रहेगा हंड्रेड मार्क्स का रहेगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस जनरल इंग्लिश ग्रामर से ट्वेंटी 20, 20 ट्वेंटी आएंगे जिसमें क्योंकि वन क्वेश्चन मार्क्स मार्क्स का का रहेगा। रहेगा, रहेगा, पार्ट इसमें भी आपका 100 का रहेगा। और इसमें आपके रहेंगे पार्ट ए पार्ट बी ये रेडियो ऑपरेटर के लिए होगा एसआई रेडियो ऑपरेटर के लिए इसमें क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे एंड ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन रहेंगे ओके okay? इसके बाद क्रिप्टो के लिए पार्ट जो सेकंड है इसी में आपको बता रहे हैं ये एस SI आई के लिए हो गया इसके बाद जो uh, क्रिप्टो एस SI आई क्रिप्टो के लिए जो पार्ट सेकंड रहेगा उसमें आपके क्वेश्चन मैथमेटिक्स और फिजिक्स से ही आएंगे इंग्लिश कंपरेंसन का सेकंड पार्ट रहेगा अगर आप एस आई टेक्निकल के लिए करते हैं तो जो पार्ट सेकंड है इसमें आपका क्वेश्चन विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स या फिर यहाँ पर बी ई बी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी बी ई स्टैंडर्ड का ही रहेगा सिविल के लिए करते हैं तो इसमें पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में आपका सब्जेक्ट्स आप देख ही रहे हैं ओनली वन पेपर हैविंग थ्री पार्ट्स कैरिंग टोटल मार्क्स ओके सो ये रहेगा अब इसके बाद एएसआई पोस्ट के लिए भी आपका एक, एक पेपर होगा हंड्रेड मार्क्स का होगा हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स के रहेंगे दो घंटे की टाइमिंग इसमें रहेगी इसमें भी पार्ट वन पार्ट टू है तो इसमें पार्ट फर्स्ट जो है उसमें टेंथ स्टैंडर्ड का मैथ टेंथ स्टैंडर्ड की ही साइंस इंग्लिश और जनरल नॉलेज फिफ्टीन फिफ्टीन क्वेश्चन फिफ्टीन फिफ्टीन मार्क्स के सेकेंड जो पार्ट रहेगा फोर्टी मार्क्स का रहेगा टेक्निकल के लिए इसमें थ्री ईयर डिप्लोमा आपने जो इंजीनियरिंग में किया हुआ उस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे डिप्लोमा स्टैंडर्ड का रहेगा और ग्रेजुएट लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया जाएगा ए एस आई डॉट्समैन के लिए है तो इसमें भी आपका थ्री ईयर का जो आपने डॉट्समैन कोर्स किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे ओके okay, अब इसमें जनरल और एक्स सर्विस मैन के लिए 40 परसेंट इन ईच पार्ट ऑफ पेपर लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए ई डब्ल्यू एस ओ के लिए 40 परसेंट लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चन आपके एम सी क्यूज टाइप रहेंगे एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.50 से मार्क नेगेटिव किया जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर एस आई आर ओ क्रिप्टो टैक एंड जीरो से मार्क रॉन्ग किया जाएगा माइनस किया जाएगा ये एस आई सिविल के लिए किया जाएगा ए एस आई टैक एंड ड्रॉट्स के लिए किया जाएगा ठीक है तो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो एक पेपर होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग भी अलग अलग रहेगी अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड देखेंगे तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका ए एस आई टेक्निकल रॉड्समैन और एस SI आई के लिए हाइट यहाँ पर जनरल कैंडिडेट और एस सी ओबीसी के लिए एक सौ सत्तर सेंटीमीटर मेल और एक सौ सत्तावन सेंटीमीटर फीमेल चेस्ट में जनरल एस सी ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट में अस्सी टू एट्टी टू फाइव सेंटीमीटर ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर रहेगा रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को हिली एरिया बिलोंग करते हैं मणिपुर मिजोरम नागालैंड सिक्किम से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी मिल जाएगा वेट तो यहाँ पर वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंगली रहता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग आपको करनी होगी रेस 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी 100 मीटर रेस को 16 सेकंड में करनी होगी फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी लॉन्ग जंप, हाई जंप, जम्प शॉर्टपुट सिक्स पर तीनों के मेल uh, फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए दिया गया है सो आप इस चार्ट को देख लीजिएगा इसके बाद फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट का जो सिविल के लिए है सिविल के लिए होगा उसमें आपकी रेस 1.6 किलोमीटर की 9 मिनट की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी और ये जो रहेगा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ओके okay? सो so ये यहाँ पर हमने फिजिकल देख लिया रिटर्न एग्जामिनेशन देख लिया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो देख लीजिएगा पोस्ट काफी अच्छी है अगर आप इंटरेस्टेड हो एएसआई एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया गया है आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी एज एंड हाइट के हिसाब से वेट भी आप इसमें चेक कर लीजिएगा फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड अगर आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ नहीं आया है कैसे किस पोस्ट के लिए क्या रहेगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं अलग से इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के वीडियो अपलोड कर दूंगी आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू